लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं बलोच फैमिली से ताल्लुक नहीं है मेरा, या मैं बलोच नहीं हूँ। आई मीन लोगों को ये फील नहीं होता कि बलोच होकर बलोच ही होते हैं जो बहादुर होते हैं, जो इस तरह के कदम करते हैं। चुन लिया है तुम भी फेसबुक पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर, पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाली 10 में से एक शख्सियत, क्या ये पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया स्टार है? आपको पता है कि शोबिज में किस तरह से लोग होते हैं, वो लड़कियों को किस तरह से मिसयूज करते हैं, और किस किस तरह की ऑफर्स होती हैं, और क्या क्या बोलते हैं कि पार्टीज में आओ, ये करो, वो करो। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे इस तरह की बात करे, बट इनडायरेक्टली मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह से फेस किए। तो वो उन चीज़ों से डिसअपॉइंट हो के तो फिर मैंने सोशल मीडिया का इंतखाब किया। मेरे ख्याल से टीवी से कहीं ज़्यादा बड़ा मीडियम जो है वो सोशल मीडिया है। बलोचों का इमेज चेंज कर रही हूँ मैं। बलोच लोग भी ऐसे हो सकते हैं तो अच्छी बात है। बलोच लोग कितने बदनाम है कि गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ये होता है, वो होता है, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और लिटरली ऐसा होता है हमारी फैमिलीज में। आई एम द वन एंड ओनली कि जिसको इस हद तक परमिशन मिली, और मैंने अपने माँ बाप की जो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मैंने उसका नाजायज इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ, बट अब मैं हाथों से निकल चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। कंदील बलोच मुतनाज़ा तो हैं, लोग उनके वीडियो देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन साथ साथ उसके उनके फेसबुक पेज को बैन करना भी चाहते हैं, तो क्या ये मुआशरे का में एक दोहरा मयार नहीं है? वेल डेफिनेटली आई बिलीव इट्स अ डबल स्टैंडर्ड। लोग सब देखेंगे, जो पसंद करते हैं वो तो देखेंगे, लेकिन जो पसंद नहीं भी करते, इफ़ द वीडियो वुड हैव बीन रिलीज देन दे वुड हैव रश्ड इन टू सी दैट इन फर्स्ट आवर। अगर आप उनसे पूछें आप क्यों देख रहे हैं, तो कहेंगे हम इसे नफरत की निगाह से देख रहे हैं। अट्रैक्शन हासिल करने के लिए जस्ट गो ऑन फेसबुक और कुछ भी ऐसा पोस्ट कर दो, आई थिंक ये टोटली नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है, और इट शुड बी बैंड फ्रॉम फेसबुक। एक ऐसा मुल्क जहाँ खवातीन अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाने से घबराती हैं, कंदील के बकौल वो एक खुली किताब है। अंबर शमसी, BBC News, इस्लामाबाद।